पटियाला पुलिस ने कत्ल दी गुत्थी नु सुलझाउंदिआं दोषियां नु गिरफ्तार करन च सफलता हासिल कीती है। माणयोग श्री विक्रमजीत सिंह दुग्गल आईपीएस सीनियर कप्तान पुलिस पटियाला दे निर्देशा अनुसार माणयोग श्री वरुण शर्मा आईपीएस दी अगुवाई च इंस्पेक्टर इंद्रपाल चौहान मुख अफसर थाना कोतवाली पटियाला ते राहुल कौशल इंचार्ज सीआईए स्टाफ पटियाला समेत पुलिस पार्टी दीआं टीमां बना के मुकदमा नंबर 13/9/2021 नूं 302/34 आईपीसी थाना कोतवाली पटियाला विच 9 जनवरी नूं मास्टर तारा सिंह पार्क नेड़े अनारदना चौंक पार्क विखे मजीद मुहम्मद उर्फ पिंटा नूं तेजधार हथियारां नाल कतल कर दिता गया सी जो दोषी मौके तों फरार हो गए सन। उक्त पुलिस पार्टी ने बहुत ही मेहनत अते दलेरी नाल दोषी अरशद ते राजा नूं अगरसैन चौंक समाणा तों अते दोषी इमरान नूं डकाला चुंगी पटियाला तों गिरफ्तार किया गया जिन्हां नूं माणयोग अदालत विच पेश करके पुलिस रिमांड हासिल करके डूंघाई नाल पुछगिछ की जाएगी अते वारदात विच वरते गए मारू हथियार भी बरामद करवाए जाणगे। आजाद टीवी न्यूज़ दे लई पटियाला तों राकेश जिंदल दी रिपोर्ट। अज बेसिकली इह प्रैस कॉन्फ्रेंस इस करके सद्दी गई है कि मानयोग एस एस पी पटियाला श्री विक्रमजीत दुग्गल साहब के दिशा निर्देशों हेठ जिहड़ी पटियाला पुलिस ने एक लगातार मुहिम चलाई गई है माड़े बंदियां नूं क्रैकडाउन करन दी ते ऑर्गेनाइज क्राइम नूं क्रैकडाउन करन दी। उस सिलसिले च असी हरेक हफ्ते डेली बेस ते मोनीटर कर रहे हैं कि किहड़े थाने च किन्ने किन्ने माड़े अंसर बुलाए गए जिहड़े कि किन्नां दे नवें हिस्टरी शीट खोले गए किन्नां दी ई डोजियर सॉफ्टवेयर च एंट्री की गई ते किन्नां दी काउंसलिंग की गई। लगातार माड़े अंसरां नूं थाने बुला के ये सारे उपराले करन दा साडा मकसद ये आ मानयोग एस एस पी साहब दे गाइडेंस अनुसार कि इन्हां ते क्राइम च ठल पवे ते इन्हां नूं अहसास होवे कि पुलिस दी साडी उपर सख्त तों सख्त निगाह हैगी आ। इस दौरान जिहड़ी पटियाला च पिछले हफ्ते च 3 मर्डर दी वारदातां होईयां सी ते 1 किडनैपिंग दी वारदात होई सी उस च असीं तुहानूं ये ब्रीफ करना चाहुंदे हां कि जिहड़ा सब तों पहलां अनाज मंडी च जिहड़ा कतल होया सी जिहड़ा कि इन्हां ने मुकदमा नंबर 5 नंबर मुकदमा सी ये जिहड़े दो मेन दोषी सी दोनों की अरैसट असी इहदे च मुकम्मल कर चुके हैं। जिहड़ा सनौर थाने च एक जमीनी विवाद नूं लैके एक बंदे ने दूजे बंदे का कतल किया सी उहदे च भी मुख दोषी असी इहनूं उहनूं भी अरैसट कर चुके हैं ते जिहड़ा कोतवाली अनारदाना चौंक दे कोले पार्क च जिहड़ा मर्डर होया सी उहदे भी कोई पुरानी जमीनी रंजिश दा विवाद सीगा उहदे च 4 चों असीं 3 दोषी अरैसट कर चुके हां। इस तों इलावा जिहड़ी किडनैपिंग दी वारदात भी जिहड़ी अनाज मंडी च 6 नंबर मुकदमा सी उहदे च भी मेन दोषी भी अरैसटिड आ ते उहदे नाल नाल उहदी गड्डी भी रिकवर हो गई है। कहण दा मतलब इह आ कि एक तरफ ते असीं सारे उपराले कर रहे हां ताकि क्राइम दा प्रिवेंशन हो सके उस तों बावजूद जेकर कोई क्राइम हो रहा है ते बहुत ही प्रोंपटली ते स्विफ्टली एस एस पी साहब की गाइडेंस हेठ असीं काम करदे होए सारे ही मुकदमे साडे क्रैक ने सारे मुकदमियां च तकरीबन सारे दोषी मेन दोषी सारे ही अरैसटिड ने। इस तों इलावा कई तरीके दे ऑर्गेनाइज क्राइम दा जिहड़ा क्रैकडाउन आ एक्साइज दे भी जे पिछले एक हफ्ते की गल करिए तो 25 मुकदमे सिर्फ सिटी एरिए ही असी दर्ज किए तो दड़े सट्टे के खिलाफ भी लगातार असी एक मुहिम चला के तो NDPS के भी असी 7 तों 8 परचे दर्ज किए मतलब हरेक तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम पर भी क्रैकडाउन जोड़ा है लगातार चल। सर जिहड़े तुसीं गल कीती वी थाणे च तुसीं बुला के उन्होंने जिहड़े शरारतें वारदातां होईयां देखो इसका जिहड़ा बेसिक मकसद ये आ कि क्राइम पेशे वाले बंदिआं नूं पता होवे कि वी आर कंटीन्यूअसली मोनीटरिंग दैम कई तरीके दे इहदे च उपराले हुंदे आ उन्हां नूं बुला के उन्हां दे डोजियर भरे जाणे आ जिहड़े हैबिचुअल ऑफेंडरस आ उन्हां दी हिस्टरी शीट्स खोलियां जाणियां ने जिहड़े पैटी ऑफेंडरस आ उन्हां नूं बुला के क्राइम तों दूर करन लई उन्हां दी काउंसलिंग कीती जाणी आ ते इह सारा बड़ा ही एक वधिया डायरेक्शन एस एस पी साहब ने जिहड़े सानूं दित्ते आ उस तहत मुहिम जिहड़ी आ चलाई जा रही है। फिर भी जेकर कोई क्राइम हुंदा आ ते असीं बिल्कुल इमीडिएट एंड प्रॉम्प्टली जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया चारे ही नस क्राइम ट्रेस ने ते तकरीबन सारे दोषी साडे उहदे च अरैसटिड ने। सर किन्ने केस दे बंदे ने ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹਨੂੰ
क्रैक करके सारे दोषी अरेस्ट करिए जिहड़े कि मैं तुहानूं दस्से चारे मुकदमे साडे ट्रेस ने ते सारे दोषी फड़े गए है। जिहड़े शार्प वैपन है ना जे मर्डर दे विच इस्तेमाल होए ने इह वैपनस तां बैन ने इहनां नूं जदों बरामद होए ते परचा वी दर्ज करदे ने इह हुण वैपन इहनां कोल कित्थों आए ते कौण इहनां नूं मुहैया करा ओहदी ओहदी बिल्कुल असीं जिवें कमानीदार चाकू हुंदे आ जिहड़े वी वैपनस बैंड आ ओहदी फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेज हरेक मुकदमे च असीं इंश्योर कराने आ कि कित्थों लै के आया सी पिछों वी ते अगे किनू देना सी ओनू भी वेरीफाई करदे आ। सारा इन्वेस्टिगेशन च असीं बड़े थोरो हो के इस काम नू करदे आ। सर अनाज मंडी थाने च जिहड़ा मर्डर होया सी ओह की कारण सी की वजह सी सर ओह मर्डर होण दी कोई जरूर सामने आए तुसीं? ओह जिहड़े सीगे देवर ड्रिंकिंग टुगेदर उहनां दी कोई इकट्ठे उत्थे कोई स्पर ऑफ द मूवमेंट जिन्हों हीट ऑफ द मूवमेंट कहने हैं कि उस टाइम कोई वैसा बसाई हुई जिद करके क्राइम हो। सर यह भी हो सा आने वाले समय अपने वालों किया जाऊ जो ठेके है उ रात को मतलब 12 बजे तक ठेके खुले रहेंगे जी तो फिर उत्तर दारू पी के लड़ाइया होंदिया ने तो वाधा वाजा असी जिमें कि मैं तुम्हें प्रोपर दसिया कि हरेक योजे क्राइम हॉटस्पॉट जिते क्राइम होने का अंदेशा आया उत्थे असी बिल्कुल प्रोपर नाइट डोमीनेशन इंश्योर करांगे।